हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, ठीक है। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट टू है और आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो आप सोचोगे हाँ ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, अब ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसे पढ़ना क्या है। देखिए, इसमें आपको ये पढ़ना है जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और जब कोई मेटल डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या होगा, और जब कोई मेटल रिएक्ट का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तो क्या होगा। तो ये चार बातें आपको जाननी है। तो हाँ, मन में आ रहा होगा हाँ ये तो सिर्फ चार है, बहुत इजी है। हाँ, बहुत इजी भी है। चलिए हम पहले लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और आपने चैप्टर टू में ये पढ़ा होगा मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये याद रखने हैं आपको। और आपको ये तो पता ही होगा जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो फॉर्म करते हैं अपना पॉजिटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। ये आपको पता था। अब देखो, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड, ये आ गया समझ में। यहाँ पे ये जो बॉक्स के अंदर है उसको आप बिल्कुल कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, इसे कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड होता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम है। सोडियम क्या है? एक मेटल है। अब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो क्या फॉर्म होगा? फॉर्म होगा सोडियम, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म होगा। सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, ये एक एग्जांपल। और एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कि पोटेशियम। पोटेशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर गए तो क्या फॉर्म होता है? पोटेशियम ऑक्साइड। यहाँ पे फोर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, जो पोटेशियम और जो सोडियम होता है ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखो, पोटेशियम और सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए इनको है ना क्या करते हैं, ये बहुत, ये तुरंत अगर आप इसको ऐसी ऑक्सीजन में ऐसी बाहर रख दोगे तो क्या करेगा, ये रिएक्ट कर जाएगा और ये बर्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए इसको है ना अंडर द केरोसिन इसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये था कुछ। अब देखो, अब आपको ये देखना है, और इसके साथ एक और याद कर लीजिए, लिथेनियम, ठीक है। लिथेनियम भी बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन जरूर करिए। तो अब देखिए, बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये भी एक नोट करने वाली बात है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं कि बहुत सारे डिसॉल्व नहीं होते वाटर में, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ज्यादातर नहीं होते सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल वाटर में हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक एल्काइली, ठीक है, फॉर्म करते हैं एक एल्काइली। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, बट सम मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म एन एल्काइली, एक एल्काइल फॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अभी लिया था पोटेशियम और सोडियम का, लिया था ना, तो क्या फॉर्म हो गया था? पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। अब इन दोनों को जब आप वाटर में मिला दोगे तो क्या होता, क्या होगा, एक एल्काइल फॉर्म होगी, जैसे कि देखो, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके फॉर्म होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्काइली है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक एल्काइली है। तो ये दो है, कैसे? एक तो सोडियम हो गया और एक पोटेशियम, H2O और गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे कि आपने देखा, तो ये दो है ना आपको याद रखने, एक है पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वॉटर टू गिव एक एल्काइली फॉर्म होता है। तो ये दो आपको याद रखने हैं कि हाँ, ये दोनों वाटर के साथ डिसॉल्व होके क्या फॉर्म करते हैं, एक एल्काइली फॉर्म करते हैं। तो ये दो आप याद रखिए, ठीक है। तो ये अब आपको एक बात समझनी है, एम्फोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। देखिए, एम्फोथेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है, क्योंकि हमने देखा था जो मेटल ऑक्साइड होता है क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, राइट। लेकिन एम्फोथेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो कि बेसिक एज वेल एज एसिड, मतलब दोनों का नेचर शो करता है, तो वो होता है एम्फोथेरिक ऑक्साइड। तो हम ये कह सकते हैं वो मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक का भी और एसिड का भी, दोनों का नेचर, दोनों का जो दोनों का बिहेवियर शो कर रहा है, तो वो हो जाता है एम्फोथेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब आप बोलोगे कौन कौन ऐसा करता है, तो सिर्फ दो आपको याद रखने हैं, एक है अल्यूमिनियम, एक है जिंक। तो ये दो आपको याद रखने हैं, अल्यूमिनियम, जैसे कि देखो अल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, अल्यूमिनियम। पहले देखो,
अलूमिनियम एक मेटल है, ठीक है। अब अलूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, तब फॉर्म होता है अलूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इधर टू है, इधर बैलेंस पहले कर देते हैं और इधर थ्री। ठीक है, तो ये बैलेंस भी यहाँ पे हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो अलुमिनियम ऑक्साइड है, अलुमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, हाँ, ये बेसिक का भी और एसिड दोनों का नेचर शो करेगा, इसलिए हो जाता है। तो आप याद रखना अल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और एक होता है जिंक का। ठीक है, तो जिंक और ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये भी बेसिक और एसिड दोनों का नेचर शो करता है। तो आपको सिर्फ ये दो याद रखने हैं, एम्फोटेरिक। हाँ, देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स का, और यहाँ पे क्या है, ये है ना वर्टिकल फॉर्म में, मतलब देख लो आप, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये इससे कम रिएक्टिव है, ये इससे कम रिएक्टिव है, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो आप ये देखो, अब यहां से जो पोटेशियम यहां से लेके यहां तक, ये बीच में हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये जो मेटल्स है ये सब ज्यादा रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। These metals are more reactive than hydrogen, ठीक है, और ये सब क्या है, less reactive है, ये सब less reactive है than hydrogen। तो आप देखो ये आपने समझ लिया ना, और ये सब क्या है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे कि अभी देखा था ना, मेटल्स रिएक्टिव विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड, में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था जो पोटेशियम और सोडियम होता है, और लेथिनियम का भी नाम बोला था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन जो पोटेशियम और सोडियम है बहुत रिएक्टिव है, उसको क्या किया जाता है, अंडर द कैरोसिन में उसको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, ऐसे उसको रख देंगे तो रिएक्ट करके बर्न हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये दिमाग में आप फिट कर लीजिए, मैंने इधर साइड में लिख दिया है, ठीक है, सिंबल्स में डाल के। तो इसको याद करिए, सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम रिएक्टिव है, उसके बाद कैल्शियम रिएक्टिव है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद अलूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है टीन, फिर आता है लीड, उसके बाद बीच में हाइड्रोजन हो गया, जो दोनों को मान के चलो सेपरेट कर देता है, हाँ ये सब ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, ये सब कम है, फिर ये कॉपर आता है, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, और अगर मेटल्स की बात करें, मेटल्स में सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव कौन होता है, वो होता है लीड, ठीक है, और नॉन मेटल्स में गोल्ड होता है जो सबसे लेस रिएक्टिव होता है, और मेटल्स में बात करें तो लीड सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है मेटल्स में, ठीक है। तो आप ये रिएक्टिविटी सीरीज आप बिल्कुल याद कर लीजिए। जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये भी आप बिल्कुल नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, राइट। अब देखो कुछ मेटल्स क्या होते हैं, वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करते। अब वो जो इंटेंसिटी है उनका रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी पे, ठीक है। अब क्या होता है, कोई मेटल है ना कोल्ड वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, कोई मेटल हॉट वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, कोई मेटल जो स्टीम होती है, स्टीम क्या है, स्टीम एक वाटर है बट वो गैसियस फॉर्म में होता है, राइट, तो उसके साथ करेंगे और कुछ नहीं करते, तो ऐसा होता है। अब देखो मेटल प्लस वाटर, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा लिक्विड फॉर्म में तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होगा। अब यहां पे ये क्यों मैंने लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा, अगर कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, वाटर अगर गैसियस फॉर्म में है और उसके साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है, बट यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं होता, यहाँ पे होता है मेटल ऑक्साइड। तो इस बॉक्स को भी आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कॉपी में। एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है, मेटल प्लस वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड वाला, तो मेटल ले लिया वाटर, मेटल में क्या लिया, पोटेशियम, पोटेशियम वाटर रिएक्ट करके बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और इसमें क्या हुआ, हीट भी हुई, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे
हाँ, तो इसको बैलेंस भी कर दिया। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम ले लिया, सोडियम है वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और इसमें भी हीट होएगी क्योंकि पोटेशियम और सोडियम दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये देखो सबसे ऊपर में है रिएक्टिविटी सीरीज के, बहुत रिएक्टिव है ये, इसलिए इसमें क्या होता है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हो गई। इसको भी बैलेंस कर देते हैं, तो ये बैलेंस भी हो गया। हाँ, तो आप इसको नोटेड डाउन जरूर करिए। तो अब हम बात करेंगे वो मेटल्स जो ना हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर, जो कि स्टीम से रिएक्ट करते हैं, वो कौन कौन से मेटल्स हैं। तो देखिए, मेटल्स लाइक अल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीन है ना, ये तीन जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं स्टीम से। ओके, तो आप याद रखिए अल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, अल्यूमिनियम, जिंक, आयरन आर रिएक्ट विद स्टीम। आगे आपको समझ में, इसको भी हम रिएक्ट करके देख लेते हैं। जैसे कि देखिए जिंक है, ठीक है, अब जिंक किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, H2O, यहां पे मैं लिख देती हूँ स्टीम फॉर्म में, क्योंकि ये भी एक तो एक वाटर ही है ना, ये तो मत भूलिए, ये भी एक वाटर ही है। तो यहां पे क्या फॉर्म होगा, जिंक ऑक्साइड और H2, तो यहां पे ये फॉर्म हो गया, ठीक है। उसी तरह अल्यूमिनियम है, अल्यूमिनियम और H2O, ये भी स्टीम में क्या फॉर्म हो गया, फॉर्म होगा अल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2, अल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन इधर इधर अल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे 3 दे देते हैं और यहाँ पे 3, 6, ठीक है। तो ये आपने देखा, तो मैग्नीशियम, सो अल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीन है जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, तो अब पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डिल्यूट एसिड, ठीक है। जब कोई मेटल डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, देखिए यूजुअली क्या होता है, अगर कोई मेटल डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, राइट, क्योंकि जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है, आपको पता है ऑल द एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के वजह से ही वो इतना एसिडिक नेचर का होता है, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए मेटल प्लस एसिड, जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या, टू गिव मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई मेटल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जो मेटल HCl है, ठीक है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन का आयन है, तो H को तो वो डिस्प्लेस कर देगा, तो बचा क्लोरीन, तो मेटल क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर आगे भी हम देखेंगे, पहले हम इसका डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे, हाँ, अगर सल्फरिक एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, तब फॉर्म होता है मेटल सल्फेट, ठीक है, वो अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं HCl का। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सोडियम है, मेटल ले लिया और इसके साथ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या मिलेगा, यहाँ पे मेटल सॉल्ट बोला है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड हमें मिलेगा, तो यहाँ पे होगा NaCl, ठीक है, NaCl और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल था, और हम लेते हैं जैसे कि मैग्नीशियम है और HCl है, टू गिव मैग्नीशियम क्लोराइड और H2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और H2, ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, राइट, हाँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इसके। तो अब देखते हैं, जब कोई मेटल रिएक्ट करता है डिल्यूट सल्फरिक एसिड से, ठीक है, H2SO4 से, तो क्या होता है, तो हमें मिलता है मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, राइट, मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर याद रह गया तभी तो कुछ आएगा आगे समझ में, डिल्यूट सल्फरिक एसिड, यहाँ पे मेटल सल्फेट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो देखो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे मेटल सल्फेट याद रखना है और वहां पे क्लोराइड याद रखना है आपको। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि सोडियम ले लिया, सोडियम है, H2SO4 एसिड है, क्या मिलेगा, मिलेगा सोडियम सल्फेट, मेटल सल्फेट का है तो मेटल हो गया सोडियम और सल्फेट, और हाइड्रोजन, तो इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी
पे भी, यहाँ पे भी ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, अब दूसरा और लेते हैं, मैग्नीशियम हो गया और H2SO4 यानी डिल्यूट सल्फरिक एसिड टू गिव मैग्नीशियम सल्फेट और H2, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट और H2। तो अब इसका भी बैलेंस कर लेते हैं, राइट right. हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो अब देखिए वहां पे अगर है ना, आप ये याद रखिए, अगर है ना वहां पे जैसे हमने लिया मैग्नीशियम और सोडियम, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, राइट right? तो अगर मैंने यहाँ पे कॉपर ले लिया, अगर मैंने इसकी जगह कॉपर ले लिया मैग्नीशियम की जगह, तो क्या होगा, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, कोई कुछ होगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर मैंने कॉपर लिया, कॉपर तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर कैसे डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, खुद सोचो, राइट right? अगर मैंने सिल्वर ले लिया, जो यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर ले लिया, वो भी नहीं होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इसे क्या पता चला, इसलिए मैंने यहाँ पे ये साइड में लिखा था, तो आप इसको प्लीज नोट डाउन जरूर करिएगा, ये नहीं कि मैंने साइड में ऐसे लिख दिया, तो ये जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा कि कॉपर और H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता रहना चाहिए ना कि कॉपर अगर ये दोनों रिएक्ट होंगे तो रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, तो याद रखना है आपको, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, जब कोई मेटल रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन से कोई अनदर जो एलिमेंट का, जो अनदर मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो क्या होता है, ठीक है, जैसे कि पहले यहाँ पे आप समझिए, ठीक है, अगर कोई एक सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल, कोई सॉल्यूशन है, कोई मेटल है बी, ठीक है, कोई मेटल बी मान लेते हैं, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, ये एक मेटल है जिसका ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो क्या होता है, वहां पे हमने एक मेटल को डाल दिया, इस सॉल्यूशन में हमने ए मेटल को डाल दिया, और ए मेटल जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, बस ये होगा ए इसकी जगह पे आ जाएगा, बी की जगह पे आ जाएगा, और बी को ये यहाँ पे रख देगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, मैं इसको इधर लिख देती हूँ, इधर स्पेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, तो क्या होगा, ए सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ए का सॉल्ट सॉल्यूशन इधर हो जाएगा, और बी को अपनी जगह पे ये भेज देगा, अगर ए इससे ज्यादा रिएक्टिव है तब ऐसा होगा, ठीक है। अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो मोर रिएक्टिव है, वही डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव मेटल के उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ठीक है। तो हमें ए बी से समझ लिया, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप कॉपर ले लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर का, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये डाल दिया, जो भी कॉपर से ऊपर है आप किसी को भी डाल दो, अल्यूमिनियम ही डाल दिया, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ नहीं होगा, अल्यूमिनियम इसकी जगह पे आ जाएगा, तो फॉर्म होगा अल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों ऐसा हुआ, आप यहाँ पे देखो कॉपर यहाँ पे है और अल्यूमिनियम यहाँ पे है, ठीक है, कॉपर लेस रिएक्टिव है अल्यूमिनियम से, अल्यूमिनियम तो कितना ऊपर है, तो अल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस कर सकता है, वही अगर हमने अल्यूमिनियम सल्फेट पे अगर कॉपर को डाल दिया, अगर इस सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने कॉपर को डाल दिया, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो है वैसा ही रहेगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है देन अल्यूमिनियम, तो ये इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट और आप ले लो सोडियम ले लो, तो क्या होगा, NaSO4 और कॉपर, ठीक है, उसी तरह आप और ले सकते हो, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट में हमने डाल दिया, नहीं इसको नहीं डालते हैं, हमने डाल दिया कैल्शियम को, तो क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म होगा और यहाँ पे सिल्वर को ये डिस्प्लेस कर देगा, यानी ये इसको अपनी जगह पे भेज देगा और ये इधर आ जाएगा, ये भी इसको यहाँ कर देगा, ये इसको इधर भेज देगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल फिट कर लीजिए दिमाग में इसको। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।